अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा रिलेशनशिप मैनेजर की, जो जॉब्स आई हुई हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उसके आपको पता है कि ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कंडक्ट हो चुका है, उसकी ऑनलाइन डिस्कशन भी हो चुकी है, अब इंटरव्यू हो रहे हैं। फर्दर इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट की मेल भी रिसीव हो रही है। फर्दर आगे क्या प्रोसेस है उसके हवाले से, आज से 3-4 मंथ पहले ये जॉब्स आई थी, नेशनल रिलेशनशिप मैनेजर प्लस रिलेशनशिप ऑफिसर OG2 एंड OG3 की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। 16 स्केल की ये पोस्ट है, उस हवाले से ऑल पाकिस्तान में इसकी वैकेंसीज थी, तो डिफरेंट लोगों ने इसमें अप्लाई किया हुआ था, तो टेस्ट हुआ था इसका ऑनलाइन, उसके बाद ऑनलाइन डिस्कशन हुई है और अभी ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो KPK मर्दान बलोचिस्तान सिंध वाली साइड पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पंजाब वाली साइड पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं। तो इस हवाले से इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसके बाद जो है वो मेरिट क्राइटेरिया क्या है, इसमें फर्दर कुछ चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑनलाइन जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट सबमिशन मेल आ चुकी है, फर्दर उनको किस तरह ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ाम, ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट फ़ाम किस तरह फ़िल करना है, डॉक्यूमेंट किस तरह भेजने हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा जी, जैसे कि आप सब ने ऑनलाइन टेस्ट दिया था इसका, सिद्धार्थ हैदर के थ्रू इसका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। जिन कैंडिडेट ने टेस्ट क्वालिफाई किया था उनकी ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी, आप सब ने ऑनलाइन डिस्कशन भी दी होगी। उसमें आप लोगों को एक टॉपिक दिया गया होगा, उसकी आपने जो है वो उस पर बात की होगी, फिर उसी बेस पे और आपके टेस्ट की बेस पे फर्दर आगे जो है वो आपको इंटरव्यू की मेल आई है। कुछ कैंडिडेट को आज भी इंटरव्यू की मेल आई है, 1 अक्टूबर को, कल उनका इंटरव्यू है 2 अक्टूबर को। इस तरह उम्मीद है कि अक्टूबर के जो है वो मिड तक भी मेल आती रहेंगी पंजाब वाली साइड पे। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि बलूचिस्तान KPK इन साइड पे ऑलमोस्ट इंटरव्यू कम्प्लीट हो चुके हैं और कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट की सबमिशन भी मौसूल हो चुकी हैं। इसी वीडियो में मैं आपके साथ उन कैंडिडेट की ईमेल और डॉक्यूमेंट जो हैं वो भी शेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो अब जिन कैंडिडेट को अभी तक इंटरव्यू की मेल नहीं आई और वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी वो स्टिल वेटिंग वेट में रहें, उनको 1-1.5 वीक तक जो है वो मेल आ जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि अभी तक यही लग रहा था कि इंटरव्यू फाइनल हो चुके हैं, लेकिन आज जो है वो दोबारा से पंजाब में जो है वो कैंडिडेट को मेल मौसूल हुई है, कल उनके इंटरव्यू हैं। इस तरह वर्किंग डेज़ में मेल आती है, फिर नेक्स्ट डे इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू वाले से भी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ मटेरियल शेयर किया हुआ है, मेरे चैनल में व्हाट्सअप नंबर भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मेरा अवेलेबल है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके फर्दर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो डॉक्यूमेंट के हवाले से, कुछ भी नेशनल बैंक के हवाले से, आप मुझसे जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से भी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर जो है मैंने मटेरियल सारा शेयर किया हुआ है, बल्कि मैंने जूम सेशन पे प्रिपरेशन भी करवाई हुई है। तो जिनका भी इंटरव्यू अभी है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको मैं डाटा प्रोवाइड कर दूँगा। 3-4 क्वेश्चन ही वो पूछ रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, अपनी डिग्री को इस जॉब के साथ रिलेट करें, इस बैंक में क्यों आना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताएं किस तरह जो है वो आप टारगेट अचीव करेंगे, इंटरव्यू में यही बातें पूछ रहे हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन डिस्कशन, उसके बाद जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू है, फिर डॉक्यूमेंट सबमिशन मेल आ जाती है। जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट सबमिशन मेल आ जाती है वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड ही होते हैं, अगर उनके डॉक्यूमेंट में कोई इशू ना हो। इशू से क्या मुराद है? इशू से मुराद ये है कि जिस तरह 2.5 CGPA का क्राइटेरिया है कि मिनिमम 2.5 CGPA हो, लेकिन अगर आपकी 2.5 CGPA नहीं है, आप जो है वो आपकी डिग्री जो है वो अथेंटिक यूनिवर्सिटी से नहीं है या ऐसे इदारे से है जो HEC से वेरीफाई ही नहीं है, इस तरह के अगर कोई इश्यूज आते हैं, या आपके ओरिजिनल जो मार्क्स हैं वो कुछ हैं और आपने फॉर्म फिल करते हुए कुछ लिखे थे, क्रॉस वेरीफाई में ये चीज़ें वो दोबारा जो है वो आपसे डिस्कस हो सकती हैं। तो जिन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट की मेल आती है वो ऑलमोस्ट सिलेक्ट होते हैं। मेल का पैटर्न किस तरह का होगा अब मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। अभी तक प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिशन तक हो चुका है, जिन कैंडिडेट के इंटरव्यू हो जा रहे हैं उनको साथ साथ डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल भी आती जा रही है। तो फर्दर जो है वो जिनको अभी तक जिनका इंटरव्यू हो चुका है और उनको 1-2 वीक हो चुके हैं,
उनके इंटरव्यू को हुए लेकिन उनको डॉक्यूमेंट की मेल नहीं आई, वो स्टिल वेट करें। जिस तरह मैंने बताया कि ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें बाज़ू का 2-3 मंथ भी लग जाते हैं सिलेक्शन होते होते, तो आप जो है वो अपना ईमेल रेगुलर चेक करते रहें। सारी जो है वो हायरिंग ईमेल के थ्रू ही होती है, आपका टेस्ट भी ऑनलाइन ईमेल आई थी, डिस्कशन भी, फर्दर इंटरव्यू भी, और डॉक्यूमेंट की मेल जो है वो भी आपको इंटरव्यू के थ्रू आ रही है। ईमेल देख लेते हैं जी किस तरह की ईमेल होगी। ये देखें जी, इस तरह का जो है वो ईमेल आता है। वो कहते हैं कि रिस्पेक्ट कैंडिडेट, होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल सब्सिक्वेंट टू योर एप्लीकेशन एट कैप्शन पोजिशन एंड योर पैनल इंटरव्यू, प्लीज़ प्रोवाइड बिलो मैंशन डॉक्यूमेंट वी आर टर्न ईमेल। अब इस लाइन का मतलब है कि आपने इसी ईमेल के रिप्लाई में उनको सॉफ्ट में डॉक्यूमेंट भेजने हैं, फिज़िकली डॉक्यूमेंट उनको हार्ड फॉर्म में नहीं भेजने। ठीक हो गया जी। फर्दर आगे वो वर्ड फॉर्म में कह रहे हैं या पीडीएफ फॉर्म में, जैसे भी कह रहे हैं, हम उनको उसी तरह प्रोवाइड करेंगे। इंटरव्यू में सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट की मेल आती है, तो ये कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे, उनको आज ई मेल आई है, तो वो 2-3 दिन में इसका रिप्लाई कर देंगे। अच्छा जी, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल बैंक वाले खुद ही भेजेंगे, और इस ईमेल में मैंने वो दिखाया भी हुआ है किस तरह का है, उसको फिल कैसे करना है, वो भी जो है वो आपको जब ये मेल आएगी उसमें अटैचमेंट में वो फॉर्म लगा होगा। अच्छा जी, ड्यूली फील्ड, वो फिल होना चाहिए, डेट, नेम एंड टाइटल एक्स्ट्रा, जो भी चीज़ें उसमें हैं वो आपने मेंशन करनी है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी अलाइंड रिसेंट टू फार्मर विद देयर रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स लेटर एंड CNSE। आपका जो भी एक्सपीरियंस है जो आपने अप्लाई करते हुए लिखा था, उसके सारे जो हैं वो रेफरेंस लेटर्स आपने साथ लगाने हैं, वो बात ये कर रहे हैं। इंश्योर द फॉर्म इज़ ड्यूली फिल्ड विद अलाइंड डेट्स, नेम्स, टाइटल एंड एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस डिटेल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, नो फील्ड शुड बी लेफ्ट। अब जिस तरह उन्होंने कहा कि हैं चीज़ें, उसी तरह आपने फिल्ड करते जानी है और उसी तरह डॉक्यूमेंट जो है वो आपने हमें प्रोवाइड करने हैं। अच्छा जी, इसमें आपका CNSE होना चाहिए, उसकी फ्रंट बैक से फ़ोटो का, उसकी फ्रंट बैक से पिक्चर, यह तरतीब आपने यही डॉक्यूमेंट की जब उनको भेजनी है रखनी है। आपका डोमिसाइल, आपका डोमिसाइल जो है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी पिक्चर, पासपोर्ट कापी इफ़ अवेलेबल, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अलोंग विद ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट एंड डिग्री बोथ। अब वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी FSC है, मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, फर्दर MPhil है, MS है, वो आपने ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट, इनमें से एक चीज़ प्लस डिग्री, कि अगर आपके पास मार्कशीट है या आपके पास DMC है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, इनमें से एक चीज़ और एक डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो फिर आप इन दोनों को ही भेज दें। मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्ट भी भेज दें, मार्कशीट भी भेज दें, प्रोविजनल भी भेज दें, डिग्री अगर नहीं है, अगर डिग्री है तो फिर प्रोविजनल या मार्कशीट भेज के साथ अपनी डिग्री भेज दें, क्योंकि डिग्री पे बाजू का CGPA नहीं लिखी होती, किसी यूनिवर्सिटी की लिखी होती है किसी की नहीं, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट ज़रूरी होती है। बोथ मार्कशीट रिजल्ट कार्ड ट्रांसक्रिप्ट अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट डिग्री शुड बी अवेलेबल, इफ़ नो सो प्लीज़ शेयर द डिटेल बिफोर फाइनलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें भेजें, अगर डिग्री आपके पास नहीं है तो फाइनलाइज होने से पहले पहले हमें प्रोवाइड कर दें ये चीज़ें। ऑफ़र ज्वाइनिंग लेटर अलॉन्ग विद लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप ऑफ रिसेंट जॉब। मतलब कि अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई करते हुए उधर लिखा था कि मैं करंट जॉब ये कर रहा हूँ, तो आप अपना जो है वो उस जॉब का, मतलब कोई कैंडिडेट इससे कोई बैंक में जॉब कर रहा है, किसी प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो भी जॉब कर रहे हैं आप, उसका आपने ज्वाइनिंग लेटर और लास्ट 3 मंथ सैलरी आपने जो है वो उसकी स्लिप साथ अटैच करनी है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसी जगह पे काम कर रहा है जिसमें उसको सैलरी बाय कैश मिल रही है, अकाउंट में नहीं आ रही, तो वो उस कंपनी के ऑफ़र लेटर पे जो है वो वर्ड में लिख के प्रिंट लेके उनको भेज दे, साइन स्टैम्प करवा के अपने HR से। ठीक हो गया जी। करंट एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड द कंप्लीट अपॉइंटमेंट लेटर। वो कह रहा है कि जहां आप करंट जॉब कर रहे हैं वो आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, आपकी उसमें ज्वाइनिंग डेट मेंशन होनी चाहिए, लेटर स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग विद डेजिग्नेशन एंड लास्ट 3 मंथ पे स्लिप। अभी उसने थोड़ी सी चीज़ें स्पेसिफाई की हैं, ज्वाइनिंग लेटर में ज्वाइनिंग डेट होनी चाहिए और आखिरी 3 मंथ की सैलरी स्लिप होनी चाहिए। 3 मंथ से अगर कम ड्यूरेशन है तो जितना भी ड्यूरेशन है उसकी सैलरी स्लिप आपने प्रोवाइड करनी है, और वही प्रोवाइड करनी है जो आपने अप्लाई करते हुए चीज़ मेंशन की थी।
ऑल प्रियर एक्सपीरियंस लेटर्स एज़ मैंशन इन द सी वी एंड एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फ़ाम। अब चूंकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फ़ाम आ जाता है ईमेल के बाद, तो सी वी में भी आपने चीज़ें मैंशन की थी जब आपने सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई किया था, तो आपने सी वी अपलोड की थी। आपने सी वी में जो एक्सपीरियंस लिखे थे वही चीज़ें अब आपने उनको प्रोवाइड भी करनी है ए टू जी अकॉर्डिंग टू सी वी। मेक श्योर ऑल प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट्स अकॉर्डिंग टू सी वी शुड बी अवेलेबल एंड देयर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी करेक्टली फिल्ड इन एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। वो कह रहा है कि जिस तरह सी वी में आपने चीज़ें लिखी थी सेम उसी तरह अब आपने एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखनी है। एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इस मेल में मिल जाएगा, जब वो आपको मेल आएगी तो इसकी अटैचमेंट में वो लगा होगा। आर ट्रेनिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेंशन ऑन सी वी। आपने अपनी सी वी में जितनी भी ट्रेनिंग्स लिखी थी, डिप्लोमा लिखा था कंप्यूटर प्रोफिशंसी का, उसके हवाले से एमएस एक्सेल जो भी आपने स्किल्स मेंशन की थी उसका अब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए और वो आपने साथ उनको भेजना है। इंश्योर सर्टिफिकेट्स ऑफ ट्रेनिंग डिप्लोमा आर अवेलेबल एज़ पर द सी वी एंड मस्ट मेंशन इन द फॉर्म। यही उसको थोड़ा सा ब्रीफ उन्होंने दोबारा किया कि जो आपने चीज़ें मेंशन की थी वो आपने अब जो अप्लाईमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखेंगे वो हमें साथ भेजनी भी है प्रूफ के तौर पर। प्लीज़ फिल द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली मैचिंग द क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडेड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर पर्सनल प्रोफेशनल एंड एकेडमिक इन्फॉर्मेशन एंड शेयर द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल इन वर्ड फॉर्म। अब इस पेज नंबर 3 पे जो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है वो कह रहा है कि वो हमें वर्ड फॉर्म में भेजें। इसका क्या मतलब है कि इसका आपने प्रिंट नहीं लेना, वर्ड फॉर्म में ही आपको मिलता है। आपको जब ईमेल आती है वर्ड फॉर्म में अटैच होता है, उसको डाउनलोड करें अपने पीसी में, उसको लेके जाके उसको उधर ही फिल करें, दोबारा उसको सॉफ्ट फॉर्म में इनको भेज दें, साथ पीडीएफ में बाकी अपने डॉक्यूमेंट भेज दें, ट्रांसक्रिप्ट सीएनएसी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ये चीज़ें। ठीक हो गया जी, तरतीब उन्होंने बताई हुई है उसी तरतीब से ही आपने उनको भेजना है। याद रखिएगा एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म उनको वर्ड फॉर्म में आपने भेजना है। ये देखिए जी, ये है उनका एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा, इसी बेस पे आपको फर्दर ऑफर लेटर जो है वो मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, ये देखें नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एचआर मैनेजमेंट ग्रुप एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। ये उस कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म मिल चुका है जिसको ये मेल आ जाती है, वो ऑलमोस्ट सिलेक्टेड होते हैं अगर आप उनके दिए हुए पैटर्न पर उनको डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट आपने सॉफ्ट फॉर्म में भेजने हैं, हार्ड फॉर्म में नहीं भेजने और इसी मेल के रिप्लाई में भेजने। ये देखें जी, पिक्चर की जगह बनी हुई है, इधर आपने पिक्चर अपनी पेस्ट कर देनी है। वर्ड फॉर्म में आपके पास फॉर्म होगा, उसको अपने पीसी में करने के बाद आप इधर पिक्चर अपलोड कर देंगे। उसके बाद फॉर्म फिल्ड ऑन डेट, जिस डेट को आपने फॉर्म फिल किया वो लिखेंगे। पोजीशन अप्लाइड फॉर, आपने पोजीशन मेंशन भी होती है जब आपको मेल आती है, सब्जेक्ट में रिलेशनशिप मैनेजर OG3, फर्दर आगे RBG इस तरह कुछ लिखा हुआ था, वो आपने कंप्लीट लिख देनी है। ठीक हो गया जी, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, सारी चीज़ें इसमें आपने फर्दर फिल करनी है। फुल नेम एज़ पर CNSE इन ब्लॉक लेटर, देखें जिस चीज़ में जो जैसे लिखा है उसी तरह आपने फिल करनी है। मैंने शुरू में बात की थी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन में कोई इशू नहीं है तो आप ऑलमोस्ट सिलेक्ट होते हैं जब ये मेल आती है, लेकिन अगर आप इसको केयरफुली फिल नहीं करते तो वो इस बेस पर भी रिजेक्ट हो जाते हैं बाजुकात कैंडिडेट। ठीक हो गया जी, उन्होंने कहा जी कि फुल नेम लिखें एज़ पर CNSE इन ब्लॉक लेटर लिखें, नेम ऑफ फादर हस्बैंड एज़ पर CNSE इन ब्लॉक लेटर लिखें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले डे लिखें, मंथ लिखें, फिर ईयर लिखें, जेंडर लिखें अपना, करंट एड्रेस लिखें। ठीक है जी, जो आपकी CV में है, परमानेंट एड्रेस लिखें एज़ पर CNSE जो है, CNSE नंबर लिखें, डेट ऑफ इशू ऑफ CNSE लिखें, डे मंथ ईयर, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ CNSE डे मंथ ईयर, प्लेस ऑफ बर्थ लिखें, कहां पर आपकी तारीख़ पैदाइश है, डोमिसाइल नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखना है, रिलीजन लिखना है अपना, मैरिड स्टेटस लिखना है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखने हैं, रिलीजन लिखना है, सेक्शन लिखना है, जो चीज़ समझना है वो खाली भी छोड़ सकते हैं आप, पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है, फर्स्ट नेशनलिटी, सेकंड, थर्ड, ये चीज़ जो है वो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद टेलीफोन नंबर आपके पास अगर PTCL का है वो, अदरवाइज़ इधर आप क्रॉस मतलब आप दूसरा नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे बाजू का तो हमारे पास दो नंबर अवेलेबल होते हैं, लेकिन नंबर वो लिखना है जो ऑथेंटिक सिम का हो, कन्वर्ट नंबर नहीं लिखना, जिस तरह कोई एक अगर नंबर है वो आपने किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट किया वो इधर नहीं लिखना,
उसके बाद आप अपना ईमेल लिखेंगे। ईमेल वही लिखेंगे जिस ईमेल पे आपको मेल आया हुआ है, जो आपने उनको पहले दिया हुआ है। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वो आप अपने भाई का, फादर का लिख सकते हैं, उसका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उसका एड्रेस इस पेज के एंड में आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। अब देखिए कि आपने अपने सिग्नेचर कैसे करने हैं। तो सॉफ्ट में ही सिग्नेचर जो हैं वो आपने अपने बना के इधर उसको पेस्ट करना है। ठीक हो गया जी, ये सॉफ्ट में सिग्नेचर बन जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। मतलब कि आप अपने रफ पेज पे सिग्नेचर करेंगे, एक वाइट पेज पे अपने सिग्नेचर कर लेंगे, उसको फिर एक सॉफ्टवेयर होता है वो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, उसके थ्रू वो उसको कॉपी करके वर्ड फॉर्म में ला के इस पर पेस्ट कर देगा। मतलब जिस तरह के आपने देखा होगा कि हमारी डिग्रीज़ पे साइन होते हैं या ऑनलाइन ट्रेनिंग होती हैं उन पे साइन होते हैं, तो वो जो है वो बंदा साइन करता है, वो हर एक पे अलग अलग से नहीं करता, वो ऑनलाइन मतलब कि वो उनके सॉफ्ट फॉर्म में उनके पास सिग्नेचर होते हैं, वो पेस्ट करते रहते हैं। तो सेम इसी तरह आपने भी अपने सिग्नेचर इधर पेस्ट करने हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म आप उनको हार्ड फॉर्म में इसका प्रिंट लेके नहीं भेजेंगे, ये अपने सॉफ्ट में ही उनको भेजना है। ठीक हो गया जी। हाँ, अगर आप अपने सिग्नेचर इधर आपको नहीं मतलब के समझ आ रही करने, तो सिंपली आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें कि आपका नेम अदनान सुहेल है, तो आप सिर्फ अदनान भी लिख सकते हैं कि ये मेरे सिग्नेचर हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसका सेकंड पेज आ गया जी, प्रेजेंट लास्ट सैलरी। आप जो भी जॉब करें उसमें आपकी सैलरी क्या है। ठीक हो गया जी। आप इस जॉब में एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी कर रहे हैं, तो जो चीज़ें आपने अप्लाई करते हुए लिखी थी वही चीज़ें आपने इधर लिखनी है। व्हेन अवेलेबल फॉर ज्वाइनिंग इफ़ सिलेक्टेड, वो कहता है कि आप करंट सैलरी क्या ले रहे हैं, हमसे कितनी सैलरी डिमांड करेंगे और आप जो है वो कब ज्वाइन कर लेंगे। तो आपने लिखना है कि एज़ क्विक एज, कि मैं फ़ौरन अवेलेबल हूँ, करंटली अवेलेबल हूँ, मैं फ़ौरन ही ज्वाइन कर लूँगा। ठीक हो गया जी। अकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, इसमें आपने जो है वो अपनी अकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। सबसे पहले अपनी लास्ट डिग्री लिखेंगे, जिस तरह ग्रेजुएशन है, मास्टर है, उसके बाद फर्दर फिर FSC या फिर मैट्रिक है। ठीक है जी। इसमें नेम ऑफ डिग्री आ जाएगी, ड्यूरेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ ईयर, जैसे आपकी डिग्री 2018 से 2022 है या 2020 से 2024 है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आ जाएगा, मेन सब्जेक्ट लिख देना है, डिवीजन, CGPA, परसेंटेज में से कुछ भी आपने लिख देना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग अगर आपने कोई की हुई है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की हुई है, कोई वर्ड की हुई है, एक्सेल की हुई है, अदर कोई मार्केटिंग से रिलेटेड आपके पास स्किल्स ट्रेनिंग है और वो ऑथेंटिक उसके पास, आप देखें इसमें वो चीज़ लिखनी है जिसका आपके पास प्रूफ भी हो। ये कोई CV नहीं है आपकी, ये एप्लीकेशन, एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें जो चीज़ आप लिखेंगे उसका आपने उनको प्रूफ भी भेजना है। जैसे ऊपर हमने बात की कि ऑल ट्रेनिंग डिप्लोमास जो है वो आप भेजेंगे, जो इसमें लिखेंगे वो आप उनको भेजेंगे भी, उसका आपके पास रिकॉर्ड भी होना चाहिए ऑफिशियल। ठीक हो गया जी। वो आप लिखेंगे जिस इंस्टीट्यूट से की है वो लिखेंगे, आगे आप ड्यूरेशन लिख देंगे। अटैच एक्स्ट्रा शीट इफ़ रिक्वायर्ड, अगर आपकी ट्रेनिंग ज़्यादा है तो आप एक्स्ट्रा शीट भी लिख सकते हैं। वो ऐसे कि इसमें आप जो है वो कंट्रोल ए करके न्यू बॉक्स ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, वर्क एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। ये देखें, इससे ऊपर उन्होंने सिर्फ आपसे सैलरी पूछी है, लेकिन यहाँ पर वो आपसे कंप्लीट डिटेल पूछ रहे हैं कि आपने जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है, कहाँ कहाँ आपने जॉब की है। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा, इधर वही आपने जॉब लिखनी है जिसका आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, क्योंकि ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इसमें आप डेट, फ्राम डेट लिखेंगे, फ्राम टू कितना ड्यूरेशन है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थी, जॉब थी, इंटर्नशिप थी, नेम ऑफ एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर जिस जगह पे जॉब की है वो, पोजीशन क्या थी, रीज़न ऑफ लिविंग क्या है, ग्रॉस सैलरी स्टार्टिंग में कितनी थी और लास्ट कितनी थी। सबसे पहले करंट लिखेंगे, फिर फर्दर प्रीवियस लिख के इसको आप कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसका जो है वो लास्ट पेज आ जाता है, डिटेल ऑफ क्लोज और ब्लड रिलेटिव्स इन नेशनल बैंक करंट। अगर आपका कोई जानने वाला कोई रिलेटिव नेशनल बैंक में है, उसका आप नेम लिखेंगे, ठीक है, उसका SAP ID होती है, वो उससे पूछ के लिखेंगे, ग्रुप डिवीजन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, यूज़ एक्स्ट्रा शीट ऑफ रिकॉर्ड। अगर नहीं है तो आप इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। इस पर आप फिर N/A लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक हो गया जी। प्लीज़ यूज़ दिस स्पेस फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कंसीडर मे बी फॉर ऑफ इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि ये जो तीन चार लाइनें हम आपको दे रहे हैं, दिस स्पेस फॉर एनी इन्फॉर्मेशन यू कंसीडर मे बी ऑफ इंटरेस्ट, वो कहते हैं कि इसमें आप कुछ भी अपने बारे में मज़ीद अगर कुछ लिखना चाहें जो इस एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं मैंशन, वो आप मैंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, रेफरेंस अदर देन नेशनल बैंक क्लोज आर ब्लड रिलेटिव्स, इसमें अपने रेफरेंस लिखने हैं, वो नेशनल बैंक में अदर देन है, क्योंकि नेशनल बैंक के अगर होंगे वो तो आप ऊपर ही लिख देंगे, ठीक होगा जी। अगर नेशनल बैंक के अलावा आपके रेफरेंस हैं तो वो आप लिखेंगे, उसका नेम, उसका ऑक्यूपेशन, उसका एड्रेस, टेलीफोन कॉन्टैक्ट नंबर, दिस पर्सन इज़ नोन टू मी सिंस। अब ये कोई आपका टीचर हो सकता है, आपका कोई जानने वाला हो सकता है, जहाँ आपने प्रीवियस जॉब किया वो हो सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी बंदा हो सकता है। लेकिन बंदे का उसका लिखना है कि कल को अगर वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उससे कम्युनिकेशन करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं कि क्या आप इस बंदे को जानते हैं, तो फिर आपको वो ये ना हो कि आपके बारे में वो बदगुमानी करे, आपके बारे में उनको अच्छे से बता सके। बाज़ अवकात वो क्रॉस वेरीफाई कर भी लेते हैं, इसलिए दो रेफरेंस आपने वो लिखने हैं जिनको, जो आपको अच्छे से जानते हैं और कोई अच्छी पोजीशन पर हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उन्होंने जो है वो एक डिक्लेरेशन दी, या दिस अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, एनी मिस इन्फॉर्मेशन और अटैम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन प्रोसेस और वायलेशन ऑफ एनी पॉलिसी कंसीलमेंट फैक्ट विल बी कंसीडर। वो यही चीज़ें कि अगर मैंने आपको बताया कि जिस तरह आपने कोई, मतलब कि आपने CV में मार्क्स कुछ लिखे थे, इधर आपने कुछ लिख दिए हैं, मार्कशीट पे कुछ लिखे हुए हैं, या आपने परसेंटेज कोई ऊंची नीचे की है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाज़ का कैंडिडेट के इशू होते हैं ना कि CNAC पे डेट ऑफ बर्थ कुछ है, उसने जो है वो डॉक्यूमेंट पे कुछ है, इस तरह कुछ इशू होते हैं, ये चीज़ें आपने जो है वो केरल के अपनी चीज़ें जो हैं उनको ठीक प्रोवाइड करनी है। आपने ये फॉर्म सॉफ्ट फॉर्म में फ़िल करना है, इसको वर्ड फॉर्म में ही आपको मिलेगा, इसको डाउनलोड करके इधर ही इसको फिल करना है, दोबारा सॉफ्ट फॉर्म में ही अपनी मेल में उनको भेजना है, एक ही मेल उनको करनी है, इसी मेल के रिप्लाई में आपने सारे डॉक्यूमेंट अलग अलग से PDF फाइल में अटैच करके उनको ईमेल कर देने हैं, ठीक हो गया जी। तो इसी मेल के अपने रिप्लाई में भेजना है। फर्दर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, किसी किस्म का अगर कोई आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं। मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नेशनल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब्स आई हुई थी आज से 3-4 महीने पहले, उसका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, उसकी ऑनलाइन डिस्कशन हुई थी, अब करंटली उसके ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, कुछ जगह पे इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके इंटरव्यू कंप्लीट हो चुके हैं उनको साथ ही डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल आ गई है, यह किसी कैंडिडेट की ही मेल मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका एम्प्लॉयमेंट फॉर्म आपके साथ शेयर किया, सेम इसी तरह की आपको इंटरव्यू के बाद ईमेल आएगी। पंजाब वाली साइड पे अभी आज भी एक कैंडिडेट को इंटरव्यू की मेल आई है, उसका कल इंटरव्यू है, 1 अक्टूबर को उसको मेल आई है, 2 अक्टूबर को उसका इंटरव्यू है। तो इस तरह आपको भी फर्दर जिसको भी मेल नहीं है या 1-2 वीक तक मेल आ सकती है, अपना ईमेल चेक करते रहे रेगुलरली, ठीक हो गया जी। फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन हो इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के हवाले से, डॉक्यूमेंट के हवाले से, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।